अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ वो ना सिर्फ बैरियर टाउन लाहौर बल्कि लाहौर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसका नाम है परवन कोर्टयार्ड। परवन कोर्टयार्ड ना सिर्फ बैरियर टाउन लाहौर बल्कि पूरे पंजाब की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। शाहकार का फ्रंट एलिवेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार डिजिटलाइज होने जा रहा है। इसके रूफ टॉप पे एक गार्डन और एक हेलीपैड भी प्रोवाइड किया गया है। नाज़रीन, अगर हम इसके डेवलपर्स की बात करते चलें तो इसके डेवलपर्स हैं एबीएस डेवलपर्स, जिनके सीईओ डॉक्टर सुबैया इकराम, मैनेजर डायरेक्टर डॉक्टर हम्बल इकराम और उनके चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद इकराम है। एबीएस डेवलपर्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करते चलें तो एबीएस डेवलपर्स 2016 से वजूद में आया। 2016 से 2020 तक इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट डिलीवर किए, ना सिर्फ डिलीवर किए बल्कि क्लाइंट्स का एतमाद भी हासिल किया और 2021 में अपना पहला मेगा प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है पर वन टावर। पर वन टावर वो प्रोजेक्ट है जिसको कमिटेड टाइम से भी पहले डिलीवर किया गया, मतलब कि उसका कमिटेड टाइम 24 माह का रखा गया था लेकिन 20 माह के क्लियर अरसे में उसको मुकम्मल किया गया। ना सिर्फ मुकम्मल किया गया बल्कि क्लाइंट्स को हैंड ओवर भी किया गया। जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है एबीएस की तरफ से उसका नाम है पर वन कोर्टयार्ड। पर वन कोर्टयार्ड जिसकी हाइट होने जा रही है 300+ फीट। नाज़रीन, पहली बार किसी बिल्डिंग की हाइट 300+ फीट होने जा रही है और इस पर आपको 27+ फ्लोर्स मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 3+ स्टोरी बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6 का कमर्शियल एंड 6 से ऑनवर्ड आपको रेजिडेंशियल, जिसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड और पेंट हाउस भी देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक सी लोकेशन है इसकी, बैरियर टाउन के टीपू सुल्तान ब्लॉक सेक्टर एफ में ये बनने जा रहे हैं। इसके सराउंडिंग में आपको विंटर लैंड, आईफोन टावर जैसी फेमस प्लेसेस भी देखने को मिलेंगी। नज़रीन, अगर मैं इसकी पेमेंट प्लान की बात करूँ तो 1 बेड अपार्टमेंट सिर्फ उसे 15 लाख की डाउन पेमेंट के साथ बुक कर सकते हैं, जबकि 2 बेड अपार्टमेंट सिर्फ उसे 25 लाख की डाउन पेमेंट के साथ बुक कर सकते हैं। अभी नीचे के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और एबीएस फैमिली कैसे बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।